राहुल जी, उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम यही है जैसे कि आपने कहा था, आप मंथ वाइज डेटा है आपके पास ऐसे, और आपको चाहिए स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है उसका मंथ चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मैच फार्मूला से, फिर इंडेक्स लगा के उसको हम वैल्यू ले आएंगे। पहले मैंने टाइप किया यहाँ पर मैच, मैच क्या कराना है फॉल्स को, जहाँ जहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो वहाँ वहाँ पर यह आ जाए। आप क्या चीज़ फॉल्स हो तो इज ब्लैंक, इस ब्लैंक के लिए अब यहाँ पे एड्रेस देना होगा। तो मैंने दे दिया D2 से जैसा आपने कहा था O2 तक, मैंने सारे मंथ के नेम लिख ले रखे हैं। अब यहाँ पे हो गया ब्रैकेट बंद, इस ब्लैंक हो गया, और यहाँ पे मैच टाइप भी होता है एक, वो भी लगाना होगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटाता है पहले, ये रहा मैच टाइप 0, मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए। चलो प्रेस करते हैं एंटर, यहाँ पे मेरे पास कॉलम नंबर आ गया। अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे ऐसे, इसको कॉपी कर लेते हैं और ऐसे पेस्ट करते हैं यहाँ तक, फिर देखिए आपको रिजल्ट आएगा। पेस्ट किया, आगे कॉलम नंबर 3, 5। अब इसको हम इंडेक्स के थ्रू मैप करा सकते हैं, कैसे वो देखिए। इसको एडिट करते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूले की स्टार्टिंग में आ जाइए, टाइप कीजिए इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आ जाते हैं इधर, और यहाँ पे लेना होगा रेंज। तो रेंज हमारा क्या था, D2 से O2, उसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में डॉलर लगाना होगा। ये रहा हमारा D1 से ही है, D2 से हमारा डेटा हो गया। अब यहाँ को इस वाले D1 को हमको फ्रीज करना होगा, ये ले लिया हमने, इस पर टाइप किया रेफरेंस टाइप $A $2, कॉमा के बाद हमारे पास इंडेक्स का वो पर्टिकुलर रो नंबर है ही, वहाँ से वैल्यू ले आएगा। प्रेस किया ओके, ये हमारे पास आ गया। लेकिन अभी ये नंबर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर फॉर्मेट में आ गए। नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे लेंगे डेट फॉर्मेट, डेट में मान लीजिए मेरे को चाहिए ऐसे फॉर्मेट में, ये ले लिया हमने। अभी देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, अब इसको यहाँ पर कीजिए कॉपी और ऐसे इसको पेस्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।